तो अभी अब जब बाहर आ गए, अब तो इतना आपको फैन फॉलोइंग मिल रही है, कुछ आए आप, जैसे सलमान आपका थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे थे कि गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं इस लफड़े में पड़ता नहीं, और मैं सलमान भाई को यही पूछना चाहता हूँ कि सलमान भाई ने मुझसे एक क्वेश्चन करा कि आपका गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ उनके पास कौन सी है, जो आती है वो भर जाती है, एक आती है दूसरी भर जाती है, दूसरी आती है तीसरी भर जाती है, तो सलमान भाई भी सिंगल है, मैं भी जी सिंगल बात हूँ। है। कुछ आपको बिग बॉस में ऐसे लड़कियों वगैरह ने बोला कि यार आप सारा पाउडर तो आप ही लगा ले रहे हो, हम क्या लगाए? वहां की लड़कियों की शक्लें इतनी खराब थी, तो मैंने उनको ये बोला, मैला पाउडर लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा, बेकार है, और जब आप बाहर जाओगे तो चेहरे की जो है प्लास्टिक सर्जरी करवाना, तब तो आप सुंदर लग सकते हो, बाकी पाउडर वाउडर से आपको कुछ नहीं होने वाला। फुकरे इंसान से तो आप पहली बार मिले, कैसा लगा आपको वैसे उनसे मिलके? ये सब मेरे आगे, मतलब ये समझ लो कि जैसे बच्चे होते हैं, ये सब मेरे आगे वो हैं, ये सब इनकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे आगे, ये सब ये समझ लो कि पैर छूते हैं मेरे। सलमान खान को भी ऐसे ही लग रहा था। बिल्कुल भाई, सलमान भाई भी नर्वस हो गए थे एकदम पहले, वो बहुत काफी कंटेंशन के साथ काफी इधर उधर की बोल रहे थे, इधर कर रहे ये कर रहे थे, लेकिन जब मैं गया तो उनको लग गया था कि भाई अब कोई पागल आ चुका है या फिर कोई टैलेंटेड बंदा आ चुका है या जो भी आ चुका है, तो मेरा मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं चुपचाप ही खड़ा रहा हूँ, तो भाई वो चुपचाप ही खड़े रहे, और वो उन्होंने मेरे को सीधा एंट्री का रास्ता दिखा दिया।